बच्चों कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे ई का परिचय। हिंदी वर्णमाला में ई दो प्रकार से प्रयोग की जाती है, बड़ी ई और छोटी ई, के दोनों रूप स्वर विभाग में आते हैं। इसका अर्थ ये है कि ई के उच्चारण में अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ई के उदाहरण है इक, इकट्ठा, एक तरफा, एक तारा, इकतीस, इमारत इत्यादि। आज मैं आपको ई की कहानी सुनाऊंगी। इशिता एक छोटी लड़की थी जो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। वो लोग इलाहाबाद में रहते थे। उसके पापा इंजीनियर थे, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। उसकी मम्मी स्कूल में ईवीएस पढ़ाती थी। इशिता को सिक्के इकट्ठा करने का शौक था। वो रोज सुबह उठ के अपने मम्मी पापा से पैसे लेकर गुल्लक में इकट्ठा करती थी। इशिता के जब इम्तिहान यानी परीक्षा खत्म हुई तो उसने घूमने का प्लान बनाया। इतवार का दिन था। उसकी मम्मी ने उसकी फ्रॉक पे इस्त्री करी और उसने अपने कपड़ों पे इत्र लगा दिया, जिसे पहनकर वो बहुत इतराने लगी। आइए साथ में मिलकर इस कहानी में इस्तेमाल हुए ई मात्रा वाले शब्दों को ढूंढें। ई से बनने वाले शब्द इशिता, इकलौती, इलाहाबाद, इंजीनियर, ईवीएस, इकट्ठा, इम्तिहान, इतवार, स्त्री, इतराने इत्यादि। तो बच्चों आज हमने सीखा ई से बनने वाले शब्द। अब आप सब अपने घर वालों को ई के परिचय के बारे में बताएंगे और कमेंट भी करेंगे कि आज आपने क्या क्या सीखा। तब तक के लिए टाटा।